नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। देख रहे हैं कि जो नॉन एग्री कम्युनिटीज का जो बाजार है, अब वो जो पहले हर निशान पर था, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ था, अब उस नॉन एग्री के बाजार में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है, एक नरमी का रुख देखने को मिला है। सबसे पहले नॉन एग्री के बाजार की ही बात करेंगे और जानेंगे कि नॉन एग्री में आखिर अचानक से एक दिन के अंदर अंदर गिरावट बनी तो क्यों बनी, उसके कारण क्या क्या है और अब नॉन एग्री का बाजार आगे कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां पे सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1982 पर इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लाल निशान पर है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ही $25.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। कल के कारोबारी सत्र में हमने सिल्वर को $27 पर ट्रेड करते देखा था, आज $25.8 पर ट्रेड करता देख रहे हैं। वहीं गोल्ड को हमने कल के कारोबारी सत्र में $2000 के ऊपर ट्रेड करता देखा था और अब देख रहे हैं कि 2000 के नीचे लुढ़क चुका है। कल के कारोबारी सत्र में जो सोना था $1965 तक ट्रेड करता नजर आया था, $2065 तक ट्रेड करता नजर आया था और गोल्ड का जो हाई था अब तक का वो $2075 का था, यानी सिर्फ $10 की दूरी से था। लेकिन अब देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में यहां से एक काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, $2000 के नीचे लुढ़क चुका है गोल्ड भी। तो अब इसके पीछे के कारण क्या क्या है, सोना चांदी लुढ़का क्यों है और अब सोने चांदी में आगे क्या संभावनाएं बन रही है, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड जो कि कल के कारोबारी सत्र में अपने रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब था, आज उसी सोने में उसी गोल्ड में गिरावट बनती नजर आ रही है, $1983 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं चांदी भी जो $27 के ऊपर ट्रेड कर रही थी $25.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, ये जो सोने चांदी में एक दिन के अंदर अंदर इतनी गिरावट देखने को मिली है, इसके कारण क्या क्या है, गिरावट बनी तो क्यों बनी? देखिए अखिलेश, जो गिरावट आई है सोने और चांदी के अंदर, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बाजार में ये इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है कि हो सकता है कि इन दोनों देशों में अब युद्ध की समाप्ति को लेकर सहमति बन सकती है। इसकी वजह से हमने देखा कि कल रात में ही मार्केट के अंदर काफी उठापटक देखने को मिली और सोना अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़क गया और सोने और चांदी के साथ साथ कच्चे तेल में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो यानी कि अगर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो सोना और चांदी के साथ साथ कच्चा तेल, तीनों ही कमोडिटीज में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और यही वजह है कि बाजार आज नेगेटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर सोने में तेजी की जगह अब नरमी वाला रुख बनता है और जो प्राइसेज हैं वो थोड़े कूल डाउन होते हैं, तो इसका असर अब मार्केट के साथ साथ अन्य कम्युनिटीज पर कितना देखने को मिलेगा, क्या अब पहले वाली स्थिति बनती नजर आएगी जैसे हमने प्री वॉर की देखी थी? देखिए, अभी अगर युद्ध की स्थिति समाप्त होती है तो बिल्कुल सभी कमोडिटी के ऊपर एक बार नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, बाजारों में गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है और उसके मद्देनजर आगे चलकर वापसी से मार्केट जो है वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी एक तरफा रैली जो आती हुई दिखाई दी थी वो फिलहाल थमती हुई दिखाई दे सकती है और बाजारों में जो तेजी बनी थी वो तेजी गायब होती हुई दिखाई दे सकती है और मार्केट अपने पहले वाले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, देखते हैं कि अगर वॉर के बाद अगर कोई समझौता होता भी है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन होती भी है, तो उसके बाद से जो चेंजेस होते हैं वो एक दिन में नहीं हो जाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस समझौते के चलते, कॉम्प्रोमाइज के चलते ज़्यादा तेज भी नहीं जाते हैं या फिर नया रिकॉर्ड नहीं बना पाते हैं, तो क्या ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा रहेगा या फिर पहले वाले लेवल्स आ जाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा गिरावट तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं। देखिए, अभी क्या बातचीत अभी शुरू हुई है और ऐसा मार्केट ने प्रिडिक्ट कर लिया है कि हो सकता है कि स्थिति संभलती हुई दिखाई दे, जिसकी वजह से एक बार ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आते हुए दिखाई दी है। अभी इसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है कि क्या बातचीत हो रही है और उसका क्या असर आएगा, अभी ये सब कुछ देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट है अभी उस न्यूज बेस के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, सारा मार्केट ही उस हिसाब से कारोबार करता नजर आ रहा है, तो उसकी वजह से बाजारों में गिरावट है। अभी ये प्रेडिक्ट करना कि कैसा रहेगा मार्केट, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्या स्थिति बनती है ये उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी काफी ज्यादा गिरावट आते हुए देखी थी। रुपया भी अपने यूएसडी के मुकाबले ऑल टाइम लो पर चला गया था, $77 पर ट्रेड करता नजर आया था। आपको क्या लगता है, क्या अब भारतीय रुपये में कुछ सुधार हो सकता है और उसका असर गोल्ड सिल्वर दोनों में? हम देखते हैं कि कनेक्शन रहता है हमेशा, अगर गोल्ड सिल्वर तेज है तो रुपया डाउन जाता है, रुपया डाउन जाता है तो गोल्ड सिल्वर तेज हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अब गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आई है, नरमी आई है, उसका असर अब भारतीय रुपये पर कितना मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये डाउन साइड के चलते रुपया हल्का फुल्का रिकवर होता दिखाई दे, लेकिन फिलहाल अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो है बाजार जो है उस खबर को के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोना ऊपरी स्तरों से फिलहाल फिसला है, लेकिन रुपये में फिलहाल बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई नहीं दे रही जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहां से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि दोनों ही तेल अभी तो तेजी की ही तरफ हैं, लेकिन कल के मुकाबले लेवल्स टूटे हैं काफी। WTI देख रहे हैं $110 पर ट्रेड कर रहा है 2% की बढ़त के साथ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $114 के ऊपर है 3.5% की बढ़त के साथ। रूपा जी, कल को हमने ब्रेंट क्रूड को $139 तक ट्रेड होते हुए देख लिया था, फिर बाद में जो सेशन चला तो $130 के दायरे में ट्रेड कर रहा था, आज देख रहे हैं $114 पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जो $20 से ज्यादा की गिरावट आई है उसके बाद से WTI पर भी असर हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब कच्चे तेल का बाजार धीरे धीरे ठंडा होता नजर आएगा? देखिए, अभी जो कच्चे तेल में गिरावट है, जो हल्की फुल्की ऊपरी स्तरों से गिरावट आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि UAE की तरफ से बयान निकल कर आया कि वो ग्रेजुअली सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउन साइड में आता हुआ दिखाई दिया है। अभी जो जो रूस और यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है उसका असर अभी आना बाकी है। अभी तो फिलहाल बाजारों के अंदर उतना ज्यादा इंपैक्ट हमने क्रूड के ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और क्रूड अभी भी सपोर्ट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी अभी $100 के ऊपर जब तक सकते हैं मार्केट में अपसाइड का मूव बना रह सकता है, और क्रूड में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। अगर सारी स्थिति नॉर्मल भी होती है तो क्रूड मुझे लगता है कि $90 to $100 के बीच में सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है जी। रूपा जी, पहले जो प्रेडिक्ट किया गया था समझौते की बात होने से पहले कि कच्चा तेल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते $150 $180 तक जा सकता है, अब देख रहे हैं वहां से अब वही लेवल्स टूटते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि समझौता होगा जिसकी वजह से क्रूड की जो सप्लाई है वो मार्केट में बनी रहेगी। इसी के साथ रूपा जी, बीच में ये भी खबर आई थी कि ईरान की न्यूक्लियर डील रिवाइव हो सकती है, लेकिन डील अभी तक रिवाइव होते हुए नहीं नजर आई है। दूसरा, ओपेक ने भी उत्पादन नहीं बढ़ाया है, हालांकि कहना सबका यही है कि जो उत्पादन है कच्चे तेल का वो बढ़ाया जाए। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या अभी भी क्रूड की सप्लाई समझौता होने के बावजूद भी अगर होता है समझौता इन फ्यूचर, तो सप्लाईज क्या कुछ समय के लिए ऐसी टाइट ही बनी रहेंगी? देखिए, फंडामेंटल क्रूड का पहले से ही काफी सपोर्टिव था, यानी कि सप्लाई डिस्टर्ब की सप्लाई पहले से ही कम थी और डिमांड अच्छी खासी थी, और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर रफ्तार आती दिखाई दे रही थी तो उससे चलते एक्सपेक्टेड था कि डिमांड जो है और ज्यादा पिकअप हो सकती है और सप्लाई जो है वो कम रहेगी, तो इस वजह से हम कच्चे तेल को पहले ही सपोर्ट लेते हुए देख रहे थे। अभी जो ये एकदम से रैली आया और एकदम से $20-30 जो मार्केट ऊपर चला गया, वो कुल रशिया और यूक्रेन के इंपैक्ट की वजह से ही देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर सप्लाई टाइट थी, और अगर रशिया और यूक्रेन के बीच रूस की तरफ की ओर सब कुछ बंद कर दिया जाता है तो एनर्जी का संकट घेरा सकता था, इस वजह से कच्चा तेल एकदम से रैली में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कच्चा तेल अपना भी उसका फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है, सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब है और ये अभी बनी रह सकती है जब तक ओपेक देशों की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं निकल कर आता कि सप्लाई को आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, तो इसके चलते माना जा रहा है कि क्रूड जो है रशिया यूक्रेन की अगर लड़ाई कम होती है या इनमें समझौता होता है तो क्रूड नीचे जरूर आएगा, लेकिन वहां पर स्टेबल कहां करेगा ये देखना होगा। बहुत ज्यादा अभी गिरावट क्रूड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ से टूटता भी है तो $90 तक मैक्सिमम एक बार आकर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का भी बयान आया है, उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को कहा है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उतनी ही दायरे में रखी जाए जितना जनता सहन कर पाए, जिसकी वजह से जनता की जेब पर ज़्यादा असर ना पड़े। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि भी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, वो भी पूरी पूरी कोशिश करेगी कच्चे तेल की जो सप्लाई है उसमें बाधा ना आए, कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो
स्मूथली बनी रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है रूपा जी, पहले जो आंकड़ा दिया जा रहा था कि लगा कि कम से कम 20 से 25 रुपए का इजाफा पेट्रोल के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है, लेकिन अब देखने प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं, कच्चे तेल के कूल डाउन हुए हैं, तो ऐसे में क्या अब जनता की जेब पर थोड़ा कम असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को लेकर? देखिए अभी हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड था प्राइस बढ़ना वो थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए, लेकिन प्राइस बढ़ना तो तय है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें पहले ही अपने जो निचले स्तर हमने देखे थे वहां से काफी ऊपर आ चुकी हैं, तो प्राइस तो पेट्रोल और डीजल का बढ़ना तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा अभी ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि जो कच्चा तेल एकदम से अपसाइड हो गया था वो उसके ऊपर अभी जो है वो ब्रेक लगती दिखाई दी है, तो इसलिए अभी कंसोलिडेट होता है अगर 90 से 100 डॉलर के बीच में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाइक आना तय है जी। इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि बाजार भी टूटा है बाकी कमोडिटीज की तरह, इसका असर बेस मेटल्स की कीमतों पर भी पड़ता दिखाई दिया है। सबसे पहले बात करें अगर निकल की, तो रूपा जी जो निकल 5600-5700 की रैली दिखा चुका था एक ही दिन के अंदर अंदर, एक रात के अंदर अंदर, वही निकल अब 3000 के लेवल्स पर आ चुका है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या अब बेस मेटल्स में खास करके निकल में यहाँ पर संभल जाने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल निकल में तो अब दिवाली का मंजर देखने को मिल सकता है, यहाँ से आज भी आप देखिए 4% टूटा है, मैंने पहले भी बताया था कि उसकी कीमतें जो है वो जो स्टेबल रहेंगी वो 1800 का लेवल था, 1700-1800 यहाँ के आसपास मार्केट होना चाहिए, और अगर तेजी में रहता भी है तो मैक्सिमम 2000 बस, इससे ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना स्टेबल रहेगा मार्केट, तो मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है और ग्रेजुअली धीरे धीरे मार्केट नीचे जाएगा और सस्टेन होगा 1700-1800 के आसपास जी। रूपा जी बेस मेटल्स में क्या अभी भी पोजीशन बनाई जा सकते हैं, या फिर बेस मेटल्स में अभी पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा मार्केट और नीचे आने दें? देखिए अभी बाइंग अभी बनाने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जो रैली आनी थी और जो प्रॉफिट निकलना था वो निकल चुका है मार्केट के अंदर, जो बेस मेटल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टारगेट लग चुके और वहां से अभी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और अब यहाँ से गिरावट गिराती हुई दिखाई दे सकती है, जो लेवल्स थे उन लेवल्स पर मार्केट हो सकता है कि एक बार फिर से स्टेबल होता हुआ दिखाई दे जहां से चला था, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी सभी कमोडिटीज में रखना चाहिए, करंट लेवल के ऊपर फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बेस मेटल में हाँ हो सकता है कि सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट करेक्शन में जा सकता है जी। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज पूरे ही नॉन एग्री का बाजार टूटता हुआ नजर आया है कुछ एक दो कमोडिटीज को छोड़ के, तो क्या ऐसे में अभी यहाँ पर खरीदारी या किसी भी तरह की बिकवाली से बचे, या फिर अभी बिकवाली कर लें ऊपरी लेवल्स पर, मार्केट आगे अभी और टूटेगी? देखिए मार्केट तो टूटेगी अभी थोड़ा सा, अगर ईज ऑफ आता है स्थितियों के अंदर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होती है तो टूटेगा मार्केट, अदरवाइज अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई तो वापस से मार्केट तेज हो जाएंगे, तो इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ अभी थोड़ा बहुत आज के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाजार में सेलिंग में जाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ जी। रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगी नॉन एग्री में आप? देखिए मुझे लगता है कि नॉन एग्री में आज निकल थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो निकल में बिकवाली करी जा सकती है, निकल मुझे लगता है कि 2800 तक एक बार मार्केट जो है इससे 2 ट्रेडिंग सेशन में पहुंच सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए व्यस्त नहीं, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।